गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फाइनल पार्ट ऑफ ट्रेडर टाउन्स एंड क्राफ्टवर्सन्स। ओके, अब देखते हैं ये है क्या, एन ओवरव्यू देखते हैं इसका, एन ओवरव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, जो प्रशासनिक क्षेत्र का, उसका एक ओवरव्यू देखते हैं क्या था उसमें। वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वुड बी थंजावुर, विच इज़ द कैपिटल ऑफ चोलास। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो होते हैं जहाँ से जो है प्रशासन चलाया जाता है, और जो मेनली जो होते हैं वो कैपिटल होती हैं, ठीक है। तो कैपिटल कहाँ थी, चोला। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या हुआ, चोला हुआ, ठीक है। तो चोलास का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहाँ हुआ, चोलास का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ थंजावुर। ओके, जो चोलास थे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या कैपिटल जो होगी वो ही थंजावुर, सिचुएटेड, जो कि स्थित थी सिचुएटेड, सॉरी एक मिनट वेट कीजिएगा, सिचुएटेड नियर द कावेरी रिवर के पास स्थित था। दिस प्लेस हैज़ द राजेश्वरा टेम्पल विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द चोलास डायनेस्टी, ठीक है। जो कि कावेरी रिवर के पास था, दिस प्लेस वॉज द राजेश्वरा टेम्पल, इसको राजेश्वरा टेम्पल भी था यहाँ पे, विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द चोलास डायनेस्टी, जो कि चोलास के साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। देर इज़ अ वाटर सप्लाई इन द टाउन विच इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द वेल्स अलॉन्ग विद द टैंक्स, जो पानी की सप्लाई होती थी वो कुओं से और जो टैंक से जो है पानी की सप्लाई होती थी शहर में, ठीक है। द नियर बाई टाउन्स ऑफ ओरायूर टेंड टू प्रोड्यूस द सर्टेन क्लॉथ्स और फ्लैक्स एंड सो मच मोर, जो एक पास में एक शहरी क्षेत्र था ओरायूर, वहाँ पे जो है कपड़े का काम होता था और झंडे बनाने का काम होता था, ठीक है। स्टूडेंट आगे लेते हैं इसका डिटेल्स, पिलग्रिमेज सेंटर एंड द टाउन्स देखते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर एंड द टाउन्स के टेम्पल एंड टाउन्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से थे। द टेम्पल टाउन्स टेंड टू प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट पैटर्न दैट डिनोट्स द अर्बनाइजेशन, जो टेम्पल टाउन्स थे जो एक हम कह सकते हैं कि शहरी तरह के जो मंदिर जो जिन्हें कह सकते हैं वो अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण का मुख्य घोतक हैं, ठीक है, वे शहरी चीज़ों को दिखलाते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस विथ विच द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इज़ पॉसिबल, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू जो है किसी शहर का विकास होता है। द टेम्पल्स आर प्रीटी मच एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी एंड पीपल कैन डेफिनेटली शो केस देयर डिवोशन थ्रू दीज टाउन्स विच आर डेडिकेटेड टू डिटीज एंड द टेम्पल्स बिल्ट इन देयर ऑनर। तो ये जो टेम्पल्स हैं ये मेनली दिखाते क्या हैं, द टेम्पल्स आर प्रीटी इतने अच्छे हैं, एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी, यानी जो टेम्पल्स में जो धन आता था, जो संपत्ति आती थी, जो चढ़ावा आता है उससे जो है आर्थिक व्यवस्था सुधरती थी उस टाइम की। ओके, एंड पीपल कैन डेफिनेटली शो केस देयर डिवोशन, वे अपने जो है किसी जो सद्भावना दिखाते हैं, जो लोग थे वे अपनी सद्भावना भी दिखा सकते हैं थ्रू दिस टाउन्स विच आर डेडिकेटेड टू द डीटीज एंड टेम्पल्स बिल्ट इन देयर ऑनर, और जो जो मंदिर बनाए गए थे वो उनके सम्मान में बनाए गए थे। विद द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन नियर दीज टाउन्स देयर वेयर मोर प्रीस्ट आर्टिसियंस एंड वर्कर्स टू टेक केयर ऑफ इट, आगे है विद द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन नियर दीज टाउन्स, इन शहरों के पास जो है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, ठीक है, कौन कौन लोग आ गए, वर्कर्स आ गए, ठीक है, और आर्टिसियन आ गए, प्रीस्ट, ये सब लोग आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं, सम ऑफ द अदर टेम्पल टाउन्स आर बिल्ड सच एज सोमनाथ विच इज सिचुएटेड इन गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पर जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ठीक है, एंड तिरुपति विच इज़ सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, जो कि और तिरुपति मंदिर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट इन टाउन्स, द बिदार और मोर कॉमनली नोन एज द क्राफ्ट पर्सन वेयर द प्रीटी मच फेमस फॉर इनलेली वर्क दे डिड द सिल्वर एंड कॉपर, तो विदार टाइप के लोग जो है एक कॉमनली नोन है, जो कि सिल्वर और कॉपर पर जो है अपनी आर्टिसियन यानी अपनी कला दिखाते थे। मोस्ट ऑफ देम केम टू बी नोन एज द पांचाल्स, ज़्यादातर जो है इनमें से पांचाल के नाम से जाने जाते हैं। देयर वेयर सम अदर गोल्ड स्मिथ, कुछ अन्य जो है सुनार भी थे जो सोने का काम करते हैं, मैसूंस भी थे, ब्लैक स्मिथ भी थे, ब्रॉन्ज स्मिथ भी थे एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ये सारे के सारे यानी कि लोहार भी थे, सुनार भी थे, और जो कांसे का काम करते हैं ब्रॉन्ज स्मिथ भी थे, ठीक है, ये सब मिलके एक समुदाय बनाते थे। दे वेर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल्स एंड हैड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेसेस एज वेल एज, अब दे वेर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द टेम्पल्स, ये रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं थे, ठीक है, मंदिरों को बनवाने में, एंड हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेसेस एज वेल एज,
और इम्पॉर्टेंट थे जो कंस्ट्रक्शन यानी जो भवन निर्माण बनाते थे उसमें भी इम्पॉर्टेंट जो है अपनी भूमिका निभाते थे, एंड जो महल बनते थे उसमें भी, इन द टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका हुआ कंप्लीट स्टूडेंट, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी प्रोवाइड कर दूँगा करवा के। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपको अभी मिल जाएंगे, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी इसके नीचे जो है आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो ट्रेडर्स क्राफ्टर्सन एंड द, तो ये चैप्टर तो था, इसमें आपने जो एक क्वेश्चन भेजा था एक स्टूडेंट ने कि जो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने लिखा है 17 बार आक्रमण किया, तो वो बिल्कुल ठीक है, 17 टाइम्स जो है महमूद गजनवी ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, इट्स ओवर फ्रॉम मी।